फिरोजाबाद के मखनपुर थाना क्षेत्र के गांव अरे मारा जट में आज एक नव युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। लोगों का कहना है कि मृतक ललितेश कुमार पुत्र देवेंद्र सिंह उम्र 27 वर्ष बताई गई है। पुलिस मौके पर घटना की जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि मृतक का घर पर कोई नहीं था, उसका शव एवं चेहरा काला पड़ गया है। इसे प्रतीत होता है कि घटना कुछ घंटों पूर्व हुई है। पुलिस मौके पर जानकारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक नया ट्रैक्टर निकाल कर लाया था। घटना से गाँव में सनसनी फैल गई है। किसने हत्या की इस संबंध में गांव वाले पुलिस से जांच के बाद मामले के खुलासे की मांग कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद मौके पर घटना की जानकारी कर रहे हैं। मृतक का लहूलुहान शव का फोटो भेजा जा रहा है। कौन लगते हैं जी आपके? मेरा खास साला है। किस गांव की घटना है ये? अरमरा जट। क्या बात हुई, कैसे हुआ था? मेरे पास कॉल आई थी शाम को 5 बजे। ठीक। उनके ताऊ की लड़के ने कॉल की थी। ठीक। के वो तुम्हारा सारा मार दिया किसी ने। मैंने क्या कह रहे हो? नहीं, तुम्हारी कसम, जीजा मार दिया है। मैंने तुरंत आया था, तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई थी और उसका चेहरा पूरा खत्म कर दिया, ईंटों से मारा है। कैसे जानकारी हुई आप तो, मतलब क्या वहाँ जाके देखा तो? क्या वहाँ जाके देखा तो खाट पे लेटा था, जब मेरे से पहले पुलिस पहुँच चुकी थी वहाँ पर, तो खाट पे लेटा है और चेहरा उसका पूरा खत्म कर दिया, ईंटों से मारा, ईंटें वहाँ पड़ी। आपके सालक क्या भाई है? ये अकेला है। बहन भी है? बहन है, वो मेरी बस एक ही है जो मेरे लिए, मैं तो यहाँ पे इसके नहीं है। कब तक, क्या साल हो गए पिताजी खत्म हो गए? पिताजी तो कई साल हो गए, मुझे भी नहीं पता। मेरी शादी को 14 साल हो गए, उससे पहले बच्चे छोटे थे जब ही खत्म हो गए। क्या करते थे जी? ये पहले तो हलवाई का काम करता था, मेरे घर रहता था। 112 की कॉल पर सूचना मिली, समय लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास, कि ग्राम अरमरा जट थाना मखनपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई है। जिस मौके पर फॉरेंसिक टीम भरोसकर और फोर्स के साथ हम मौके पर पहुंचे, देखा कि जो मृतक ललित पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र झा, ये 4-5 मृतक पड़े हैं। इनके चेहरे पर ईट से इसके चेहरे को पूछा गया है और ब्लेड भी पड़ी थी, तो ब्लेड से लग रहा था जैसे गर्दन पर ब्लेड से बात की गई हो। तो फॉरेंसिक टीम और डॉक्टर द्वारा सारे सभी इकट्ठे हुए, अब इसको जांच के लिए भेज दिया गया है और FIR तहसील करते FIR कार्रवाई करते तत्काल, इसमें जो भी सामने आता है गिरफ्तारी की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।